फारूक उठो उठो उठो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्स नौशाद। होप आप सबकी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और ये मेरा तीसरा वीडियो है और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू टू एवरी वन। और मेरी पहले ही वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। 115 प्लस सब्सक्राइबर आए हैं और 350 प्लस व्यूज़ आए हैं और उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। और इसी तरह आप मेरा सपोर्ट करते रहें और मुझे आगे बढ़ाते रहें। मैं तो उठ चुका हूँ और एक हैं मेरे रिश्तेदार लगते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो भी आए हैं साथ में कल रात में। अभी तो वो सोया हुआ है, तो आइए जगाते हैं उसे। बहुत आलसी लड़का है। अगर आपको बहुत ज़रूरत है कहीं किसी चीज़ की या फिर किसी की, और आप अगर उसे फ़ोन करते हैं कि शाहरुख चले आए हैं, हाँ उसका नाम शाहरुख है, तो भाई साहब फ़ोन उठा लिया एक बार, फिर दोबारा जब आप फ़ोन करने के मालूम चला कि लड़का का तबीयत ख़राब हो गया है, लड़के का कुछ भी हो गया है, मतलब लड़का आ नहीं सकता, इतना आलसी है लड़का, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आइए उसे जगाते हैं और मुझे मालूम हो जाएगा नहीं, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन। शाहरुख उठो 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 उठो। अरे उठो, ये है शाहरुख, आलसियों के सरदार। उठना गया नहीं अभी? चलो चाय पिलाते हैं। अरे चलो, अबे 9 बज रहा है बे। भाई 9 बज रहा है, उठ तो। सो कर रहे हैं, सो तुम आराम से। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मेरे मामा ने मुझे फ़ोन किया था। उनका नाम वसीम खान है, वो बनारस में रहते हैं और उनका हॉस्पिटल है। तो मुझे फ़ोन किया कि भांजे मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, और यहाँ पे एक किला है, विजयगढ़ किला। जी, जो आप सोच रहे हैं सही है, चंद्रकांता, नाम तो सुना ही होगा। विजयगढ़ किला बहुत फेमस है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है, तो वही आ रहे हैं वहाँ घूमने के लिए। तो अभी उन्हें आने में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, तब तक हम कुछ अपना काम कर लेते हैं और जब आते हैं तब फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मामा बनारस से आ चुके हैं, घर के बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से और आपसे मिलते हैं किले पे। फाइनली हम किला पे पहुंच गए हैं। अभी अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे आए हैं और बाकी तो सभी लोग ऊपर को चल दिए हैं और हम लोग भी अब यहाँ से आइए चलते हैं। यही है, हमें ऊपर तक जाना है, सीढ़ी बनी हुई है उसी के थ्रू, तो आइए चलते हैं आगे। ये हम विजयगढ़ किला पे चढ़ना शुरू कर दिया है हमने। सारे लोग तो चढ़ गए हैं, हम लोग बच गए हैं। दरअसल बात यह है कि मेरे पैर में लग गया है चोट, मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं फुटबॉल खेल रहा था एक दिन, वो अभी तक सही नहीं हुआ, इसी वजह से थोड़ा हम लोग धीरे चल रहे हैं। और ये भाई साहब का ऑपरेशन हुआ था, इनको स्टोन था पेट में। 1000 सीढ़ी के ऊपर है, 1000 के सीढ़ी के ऊपर है, अभी 250 चढ़े हैं, 750 बाकी। देखिए हालत खराब होने वाली है हम लोग की। सबसे हेल्दी आदमी सबसे पहले थका, इधर दिखा दीजिए ना साबित हूँ, सबसे हेल्दी आदमी सबसे पहले थकने वाला। ये देखिए। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए हैं, बस थोड़ा समय और चढ़ना है। और ये रहा खिड़की, और ये रहा वो सीढ़ी जहाँ से हम चढ़ गए हैं, बहुत नीचे है ये। और ये आपका नज़ारा है, यहाँ का व्यूज बहुत बढ़िया है, ये देखिए नेचुरल एकदम।
फ्रेंड्स, ये बहुत ही ऐतिहासिक किला है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की खूबसूरती तब मालूम चलेगी जब आप यहाँ आके एक बार घूमेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ अपने। सबसे मेन बात, ड्रिंक इज नॉट अलाउड। यहाँ पे पूरी तरह से बैन है और ऐतिहासिक के साथ साथ बहुत ही पवित्र प्लेस है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो किसी भी प्रकार का धूम्रपान या फिर ड्रिंक ना करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे जगह। लोग आते हैं, गुटखा खाते हैं, थूकते हैं, पान खाते हैं, थूकते हैं, ड्रिंक करते हैं, बोतल फेंकते हैं, भद्दगी होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी यहाँ नहीं, मैं तो बल्कि कहूँगा कि आप कहीं भी किसी भी ऐतिहासिक जगह पर जाएँ, किसी पवित्र जगह पर जाएँ, तो आप ऐसा काम ना करें। और उसके लिए अगर आप ना करें तो उसके लिए मैं आपसे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा और आपको धन्यवाद दूँगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा काम है। बल्कि आप किसी को देखें ऐसा करते हुए तो आप उसे मना करिए, रोकिए कि ऐसा करना गलत है, उसे बताइए, समझाइए उस जगह का, उसे अहमियत बताइए, तब वो जानेंगे कि वो जगह क्या है। हमारे इतिहास में, हमारे देश में, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे देश में ऐसी जगह है। तो उस जगह को आप पवित्र रखिए, साफ सुथरा रखिए, बस यही बोलना चाहूँगा आपसे। आ गए हम लोग किले के अंदर और ये अंदर का व्यूज है। ये है मेन दरवाजा किले का, जिधर से हम आए हैं वो आपका खिड़की था और ये दरवाजा है। पहले के लोग यहाँ से चढ़ा करते थे। अब क्या है फ्रेंड्स कि उस साइड सीढ़ी बन गई है, इसलिए लोग उस साइड से आते हैं, और इधर से सीढ़ी बनी नहीं है इसलिए लोग इधर से कम आते हैं। लेकिन जब उर्स होता है तो इधर भी उतनी भीड़ होती है जितनी उधर होती है। मैं आपको अभी नीचे का नज़ारा दिखा रहा हूँ, कुछ यूँ है। ये दरवाजे का फ्रंट व्यू है फ्रंट कैमरे से, और हम ऊपर जा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको व्यू दिखा दिया, नीचे का काफ़ी खूबसूरत है। सामने दंदरोल बंदा था जो कि आपको यहाँ से साफ दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हरे हरे पेड़ों के साथ, पहाड़ियों के साथ और साथ में पानी। और गाइस, चढ़ने में, यहाँ तक पहुँचने में हम काफ़ी थक चुके हैं। तो गाइस, थोड़ा सा आराम करते हैं और मिलते हैं यहाँ से कुछ देर बाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस जगह पे आना है, अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि जगह का नाम क्या है और जगह पे कैसे जाया जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको यहाँ का एड्रेस दे दूंगा और आने का सही रास्ता बता दूंगा। तो गाइज, शाम के 6 बज चुके हैं, अब घर जाने का समय हो गया है, अंधेरा होने लगा है धीरे धीरे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर ठोक दें। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय,